दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो, लोकमत इस प्रकार का करे, हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत। हम लड़ाई करके कश्मीर को ले तो फिर लोकमत की जगह कहां रही। अभी जो आपने आवाज सुनी वही है हमारे आज के नायक, एक ऐसी महान हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत को बनाया भारत। अगर आज हम एक संगठित एकत्रित राष्ट्र हैं तो उसका श्रेय इन्हीं हस्ती को जाता है, भारत के लौह पुरुष, दुनिया में भारत के बिस्मार्क की तरह देखे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री आज हैं हमारे नायक। नायक नायक आज बताऊंगा आपको कि वो कौन सी घटना थी जिसने एक वकील वल्लभ भाई पटेल को बना दिया लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। और साथ ही बात करेंगे कि किस तरह से आजादी के बाद तमाम चुनौतियों के बीच उनसे जूझते हुए भारत में जुड़वाया हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और लक्षद्वीप जैसे राज्यों को। साथ ही होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े हुए। तो दोस्तों, कैसे एक साधारण वकील से बन गए वो एक लीडर, एक सार्वजनिक पर्सनालिटी। बात 1922 की है, गुजरात में नदियाड के पास जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते थे, वहां उन दिनों एक बड़े खूंखार डाकू और उसके गिरोह का आतंक हो गया था। हत्याएं और लूटपाट की घटनाएं आम थी। पानी जब सर के ऊपर से निकल गया तो सरकार ने आखिर वहां पे एक स्पेशल पुलिस फोर्स उस इलाके के लिए अपॉइंट की, लेकिन वो पुलिस फोर्स तो डाकुओं से भी ज्यादा बर्बर निकली। आखिरकार अंग्रेजों की पुलिस थी और ऊपर से सरकार ने जो वहां पे स्पेशल पुलिस फोर्स लगाई थी उसका खर्चा निकालने के लिए एक स्पेशल टैक्स वहां के लोगों पर लगा दिया। मतलब कि तीन तरफ से मार पड़ने लग गई वहां के लोगों को। इन सब घटनाओं को देखते हुए एक वकील वल्लभ भाई पटेल सामने आए, उन्होंने मोर्चा संभाला और स्थानीय लोगों को नेतृत्व दिया। देखते ही देखते एक आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया। 8-10 हजार लोग उनके एक इशारे पर सड़कों पर उतर आते थे। फिर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक यंग वॉलंटियर्स फोर्स भी गठित हुई। जितने इलाके के युवा थे वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने डकैतों का मुकाबला करना शुरू किया और डकैत वहां से भाग छूटे। और इसी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल ने जो आंदोलन चलाया कि ब्रिटिश सरकार वो हदिया टैक्स वापिस ले, उसमें भी वो कामयाब हो गए। तो वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व लोगों ने स्वीकार कर लिया और मिला गुजरात को और देश को एक ऐसा नेता जिसकी आगे चलकर दुनिया भर में पहचान बनी लौह पुरुष की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साहब, आजादी के बाद किस किस्म की जटिल परिस्थितियों में देश को एक करने का बीड़ा उठाया वल्लभ भाई पटेल ने और कामयाबी से इस काम को अंजाम दिया। अंग्रेजों ने जब भारत को आजादी दी तो काफी चालाकी से उन्होंने एक अजीब सी विरासत भी छोड़ दी। भारत में जितने राज्य थे, रजवाड़े थे, अंग्रेजों ने जाते जाते उन्हें दो विकल्प दिए थे। पहला विकल्प तो यह था कि वो भारत को चुन सकते हैं या पाकिस्तान को, और दूसरा विकल्प ये भी दे दिया था इन रजवाड़ों को, राजाओं और नवाबों को, कि वो चाहें तो आजाद रह सकते हैं, अपनी स्टेट खुद चला सकते हैं। अब ये राजा और नवाब तो अपनी शानो शौकत के पीछे दीवाने थे और जनता पे जुल्म करने की उनकी आदत पुरानी थी। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ना भारत के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ, अपनी स्वाधीनता बनाए रखना चाहते थे जिससे उनके ऐशो आराम चलते रहें, उनके खजाने भरे रहें। लेकिन सरदार पटेल ने कभी पुचकार कर तो कभी धमका कर सब राजाओं और नवाबों को ये कन्विंस कर दिया कि इंडियन यूनियन में शामिल होना ही उनके हित में है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए सरदार पटेल ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई थी। उन्होंने तमाम प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसेस को, राजाओं को, नवाबों को एक प्रीवी पर्स ऑफर किया था, एक नियमित राशि ऑफर की थी जो उनको हर माह मिलती, जिससे उनका खर्च उसी शानो शौकत से करीब करीब चल सकता जो पहले चल रहा था।
लेकिन पावर्स उनके पास कुछ नहीं रहने थे। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने सरदार पटेल का यह ऑफर स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद की अपनी नीति से 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर 99% रजवाड़ों को और प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल कर लिया था। लेकिन कुछ एक स्टेट्स जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये मुश्किल स्टेट्स थी। यहाँ के राजा, यहाँ के नवाब तंग कर रहे थे, भारत में आसानी से विलय कर नहीं रहे थे, भारत में शामिल नहीं हो रहे थे। तो कैसे निपटे इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये शायद भारतीय आधुनिक इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक। जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू थे, लेकिन वहां की आबादी मुस्लिम थी ज्यादातर, जबकि जूनागढ़ और हैदराबाद में स्थिति इसके बिल्कुल उल्टी थी। वहां शासक मुसलमान थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी। लिहाजा सरदार पटेल ने बहुत धीरज से काम लिया, बहुत समझदारी दिखाई। जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तान के उतावलेपन से भारत और सरदार पटेल की स्थिति कुछ मजबूत हो गई। जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया, तो वहां के राजा हरी सिंह के पास भारत में विलय के अतिरिक्त कोई और चारा बचा नहीं था। उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया, जिसका समर्थन बड़े कश्मीरी नेताओं ने भी किया। शेख अब्दुल्ला ने भी इसको अपनी सहमति दी, जो सरदार पटेल के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। अब दूसरी रियासत थी जूनागढ़, जिसके चारों तरफ भारत था, लेकिन वहां पे शासक मुसलमान थे, नवाब मुसलमान थे। जब वहां के नवाब माने नहीं आसानी से, तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ को तेल, कोयले की सप्लाई, हवाई डाक संपर्क सब रोक दिया। वहां की जनता भी नवाब के खिलाफ विद्रोह पर उतर आई थी। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब अपने घर वालों के साथ पाकिस्तान भाग गए। जूनागढ़ का औपचारिक रूप से भारत में विलय हो गया। तो कैसे हैदराबाद को भारत में शामिल किया, ये भी भारतीय इतिहास का एक बहुत रोचक किस्सा है और इस बात का गवाह है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आजादी के बाद भारत किस तरह की दिक्कतों में पड़ सकता था। हैदराबाद के विलय की योजना में भी सरदार पटेल ने सांप्रदायिक सद्भाव का खास ख्याल रखा था। वहां 87% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, लेकिन हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान थे कि वो भारत में नहीं शामिल होने पर अड़े हुए थे। उन्हीं के उकसावे पर कासिम रिजवी नाम के एक शख्स ने वहां भाड़े की सेना भी पाल रखी थी, जो हैदराबाद की जनता पर बहुत अत्याचार करते थे। इस हालात में 13 सितंबर 1947 में सरदार पटेल ने भारतीय फौज को हैदराबाद पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने 2 दिनों में हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। फिर एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव में सरदार पटेल ने निजाम को भी अपने साथ मिला लिया, जिससे पाकिस्तान इस माहौल का लाभ नहीं उठा पाए, इंटरनेशनल फोरम पे हैदराबाद को बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए। हैदराबाद को, जूनागढ़ को, जम्मू कश्मीर को, प्रिंसली स्टेट्स को किस बुद्धिमता के साथ उन्होंने भारत का हिस्सा बनाया, उसकी वजह से ही सरदार पटेल को लौह पुरुष का खिताब मिला। अब लक्षद्वीप एक दूर दराज का टापू था और हम बात कर रहे हैं 1947 की। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त को, लेकिन लक्षद्वीप पे रहने वाले लोगों को जानकारी भी उसकी कई दिन बाद मिली। न दिल्ली में बैठे नेताओं को, लोगों को यह ध्यान रहा कि लक्षद्वीप भी भारत में शामिल हुआ है कि नहीं। एक दिन सरदार पटेल को ध्यान आया कि लक्षद्वीप अभी तक भारत में शामिल नहीं हुआ है और चारों तरफ उसके पानी है, कहीं पाकिस्तानी नौसेना अपना दावा वहां पे नहीं ठोक दे। बस उन्होंने फौरन एक नेवल वॉरशिप लक्षद्वीप भेजी कि वहां जाके तिरंगा लहरा के आ जाओ। न किसी से कुछ पूछा, न किसी से बात की और लक्षद्वीप भारत में शामिल हो गया। लोगों का कहना है कि जिस दिन भारतीय नेवल वॉरशिप, भारतीय युद्धपोत लक्षद्वीप पहुंचा था, उसके अगले ही दिन वहां के आसपास कुछ पाकिस्तानी नेवी के जहाज भी नजर आए थे। लेकिन जब उन्होंने लक्षद्वीप पर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ देखा, तो पाकिस्तानी नेवी के जहाज उल्टे पांव लौट गए। वल्लभ भाई पटेल के भाई का नाम भी वी पटेल था, विट्ठल भाई पटेल। अच्छा, दिलचस्प बात यह थी कि दोनों भाई लिखते थे वी पटेल, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल वी पटेल।
अब दोनों ही भाइयों का बड़ा मन था कि उच्च शिक्षा वकालत की विदेश में जाके प्राप्त करें, इंग्लैंड में जाके और कानून की पढ़ाई करें। वल्लभ भाई पटेल साहब ने कई फॉर्म्स भरे, अच्छी रिकमेंडेशंस ली और सब अपनी एप्लीकेशन भेज दी इंग्लैंड। जब डाक से ये इत्तला मिली कि दाखिला हो गया है वी पटेल का, तो वो चिट्ठी पहले हाथ लग गई भाई विट्ठल भाई पटेल के। उन्होंने सोचा उनका दाखिला हो गया, वो बड़ी खुशी खुशी अपने भाई वल्लभ भाई पटेल से बोले कि देखो भाई, मेरा आगे पढ़ने के लिए विलायत से बुलावा आ गया है, कितनी अच्छी खबर है। वल्लभ भाई पटेल समझ तो गए कि ये जो दाखिले की चिट्ठी आई है, ये दरअसल उनके लिए आई है, और उनके प्यारे भाई विट्ठल भाई पटेल ये सोच रहे हैं कि उनके नाम आई है दाखिले की चिट्ठी। वल्लभ भाई पटेल चुप रहे, कुछ बोले नहीं और जाने दिया अपने भाई को आगे पढ़ने के लिए विदेश। तो ये तो बात थी उनकी दरिया दिल्ली की, लेकिन जब गुस्से में आते थे, जब तैश में आते थे, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, इसीलिए तो लौह पुरुष कहलाते थे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। लखनऊ में कांग्रेसियों ने करनी शुरू कर दी बगावत गोविंद वल्लभ पंत के खिलाफ ही। अब पंत जी पटेल जी की शरण में आए, उनसे कहा कि बागी पार्टी के मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। सरदार पटेल खुद लखनऊ आए, कांग्रेस के सभी लोगों की एक बैठक बुलाई और एक बड़े सभागार में सरदार पटेल ने कहा कि दरवाजे खोल दिए जाएं। जब दरवाजे खुल गए सभागार के, तो सरदार पटेल बोले कि जो जाना चाहे चला जाए। फिर भी कोई नहीं उठा तो सरदार पटेल ने कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, जिसको पार्टी और ये सभागार छोड़ के जाना है जाए, और अगर कोई नहीं जाता है तो सबको गोविंद वल्लभ पंत का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। हॉल में एकदम सन्नाटा, किसी की मजाल नहीं कि सरदार पटेल के सामने मुंह भी खोल पाता। बस पटेल साहब का आशीर्वाद मिल गया पंत जी को, उनका बचा हुआ कार्यकाल बड़े आराम से गुजरा। तो ये थे हमारे आज के नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कल शाम एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।